तो चलिए स्टूडेंट, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय प्रिया मैम। इस वीडियो में हम आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट नंबर 3, उसका जो क्वेश्चन नंबर है 5, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से व्हाट इज़ द क्वेश्चन, आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 975 एंड 24, 21, 18 आर द टू गिवन APs। तो क्वेश्चन में दोन APs दिए हैं तो आपको वो सॉल्व करना है। तो देखिए, इफ़ द nth टर्म ऑफ द बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, ये इसका अगर आप दोनों भी APs का अगर nth टर्म फाइंड करते हो, वो दोनों भी सेम है, इफ इट इज सेम, वो कंडीशन आपको अप्लाई करके फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड द nth टर्म। आपको n की भी वैल्यू फाइंड करनी है और nth टर्म भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं आपको एक क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन AP इज इक्वल टू 975। ओके, इट इज़ योर फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। सो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम T1, T2, T3, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, T1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है हमारे 9। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। डी किस तरह से फाइंड करते हैं, हम डी फाइंड करते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो हमारी टर्म है T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 7 माइनस 9। तो इस तरह से आपका जो D है वो आपको मिल जाएगा -2, 7 में से माइनस करना है 9। सो यू हैव टू राइट डाउन द साइन ऑफ द ग्रेट नंबर, दैट इज़ अ -2। तो चलिए हमने ये फाइंड किया है, तो हम लिखते हैं अभी नाउ टू फाइंड आउट यंथ टर्म ऑफ एपी। ओके, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम लिखते हैं फॉर योर फर्स्ट एपी व्हाट इज योर nth टर्म इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यू हैव टू पुट हियर ए इज 9 प्लस 9 डिफरेंस, n की वैल्यू पता है क्या, नो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, सो यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू एज इट इज़ n माइनस 1 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस लेना है -2, बिकॉज की डिफरेंस माइनस में है तो मैंने उसको भी एक सेकेंड ब्रैकेट लिया है तो समझने में आसानी हो। टी ऑफ n को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, प्लस n माइनस 1, ये जो 2 है इसका जो साइन है वो माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस। और आपको एक काम करना है, डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 टू द इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। चलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2n, और ये प्लस, सॉरी माइनस माइनस विल बी प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू, नंबर नंबर कैलकुलेट कर लो, 9 प्लस 2, दोनों का साइन देखना है, प्लस ही है, 9 प्लस 2 इज 11 माइनस 2n, सो इट इज़ योर न्यू इक्वेशन फॉर द nth टर्म। तो इसको आपको क्या करना है, इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली आपको सेकेंड एपी का भी लिखना है, सेकेंड एपी आपका क्या है, देखिए 24, 21, 18 इस तरह से आपका सेकेंड एपी है। तो इसका भी आपको ए एंड डी कैलकुलेट करना है। ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है आपकी 24, डिफरेंस लीजिए टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तो कौन से भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1, 21 माइनस 24। तो इस तरह से आपको 21 में से 24 सब्सट्रैक्ट अगर आप कर दोगे देन इट विल बी 3, साइन ऑफ ग्रेट नंबर है 24,
और इसका साइन है माइनस थ्री। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट द nth टर्म, टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जो आपकी सेकेंड एपी है उसका भी आपको nth टर्म लिखना है। टी ऑफ n इज इक्वल टू, चलिए हमने इक्वेशन तो लिख दी है, उसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 24 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज द n, डोंट नो, n एज इट इज माइनस 1। और जो आपका d है वो है मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, टी एन इज इक्वल टू 24। तो ये जो माइनस 3 है इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3n, और ये जो माइनस माइनस है ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3। सो टी ऑफ n इज इक्वल टू हम लिखते हैं 24, ये जो नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर है, तो नंबर नंबर का एडिशन कर देंगे, 24 प्लस 3 ये हो जाएगा 27 माइनस 3n, और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर, हमने इसको जो है फर्स्ट एपी की जो इक्वेशन हमें मिली थी उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, नाउ इसे इक्वेशन नंबर हम देंगे 2। ओके, नाउ सी फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, नाउ यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन, इफ द n टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन, ये दोनों जो प्रोग्रेशन थे इसकी जो nth टर्म वॉट एवर इट मे बी, इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे दिया है कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन हम लिखेंगे दोनों की वैल्यू क्या है, बोथ आर इक्वल, यहाँ का जो टी ऑफ एन है और यहाँ का जो टी ऑफ एन है बोथ वैल्यू इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका ही मीनिंग है कि दोनों का भी राइट हैंड साइड भी इक्वली है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, डायरेक्टली आपने लिखा है तो भी चलेगा, 11 माइनस 2n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 27 माइनस 3n। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको कंडीशन जो है वो समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए नाउ देखिए क्या करना है आपको, इसे 27 नंबर एक साइड को मूव कर दो और जिसमें भी n टर्म है उसको शिफ्ट कर दो, ये प्लस 11 है इसको अगर आप शिफ्ट करते हो इट विल बी माइनस, और ये जो माइनस 2n है एज इट इज़, और ये जो माइनस 3n है इसकी अगर आप साइड चेंज करते हो सो इसका जो साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 3n। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1n इज इक्वल टू 27 में से अगर आप 11 माइनस करते हो देन इट विल बी 16। सो n की वैल्यू है इसका ही मीनिंग, 1n इज इक्वल टू 16 इसका ही मीनिंग है, 1n मीन्स n और n की वैल्यू आपको मिल गई है 16। सो अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, वेट करना है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है आपने तो n की वैल्यू फाइंड की है, भागना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा रह गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है nth टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड आउट nth मीन्स हमने अभी फाइंड किया, तो हम डायरेक्टली में लिखेंगे 16 टर्म, तो चलिए लिखते हैं 16 टर्म, n की वैल्यू 16 है देयरफॉर दोनों में से कौन से भी इक्वेशन डायरेक्टली लिया तो भी चलेगा, या फिर टी ऑफ एन का फॉर्मूला लिखो फिर भी आपको वही इक्वेशन मिलेगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टी ऑफ 16 इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू अगर आप डायरेक्टली लेते हो ठीक है, नहीं तो आप ये वैल्यू ले लो, चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, सो टी ऑफ 16 इक्वल टू ए यहाँ का लेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट ए पी में 9 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू थी माइनस 2, सो t ऑफ 16 इज इक्वल टू 9 प्लस ये हो गया आपका 15, ये प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्टली लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस तरह से t ऑफ 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 30 और इसका आंसर है 21।
और साइन ऑफ ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर है 30, 30 का साइन है माइनस, तो आपकी ये जो वैल्यू है 16 टर्म इज 20 माइनस 21, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 16th टर्म इज माइनस 21। तो गाइज इस तरह से आप आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए।